सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार्स घेरे में आ गए हैं। इन्हें लेकर कंगना रनौत ने भी काफी बड़े खुलासे किए हैं। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार में बॉलीवुड अब तेजी से आने लगा है। जहां बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को अभी 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत को 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। एनसीबी की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वो मुंबई की भाईखला जेल में है। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को 2 बार कोर्ट से खारिज हो चुकी है। वहीं दीपिका पादुकोण, नकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसी ए लिस्ट स्टार का भी नाम ड्रग्स मामले में सामने आ गया है। वहीं अब इसी मामले पर रवीना टंडन ने ट्वीट करते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा, अब हाई टाइम हो चुका है क्लीन अप करने का। इससे हमारे यंगस्टर्स और आने वाली जनरेशंस का बेहतर भविष्य होगा। उन सबको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो यूजर्स हो, डीलर्स हो या सप्लायर्स। रवीना टंडन का ये पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट फिल्मी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष और बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी